पोस्चर ऐसा हो, क्योंकि जैसे एफजी है वो आपकी स्पोर्ट्स भी है और टूरिंग टाइप की भी है, तो आप उसमें सीधे भी बैठ सकते हो, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा सीधा नहीं हो सकते, स्टांस होगा वो झुका झुका ही होगा। तो फिर इसमें लॉन्ग ड्राइव कितनी लंबी हम कर सकते हैं और कमर रिस्क पे क्या असर पड़ेगा इसका? यामा अगर मेरा देख रहा हूँ वीडियो, तो भाई थोड़ी सी इतनी सीसी बढ़ाओ यार, थोड़ी सी इंजन की पावर बढ़ाओ हल्की सी, क्योंकि 155 अब थोड़ा सा लगता कम। और रही बात देखो मेरी पसंद की, मुझे पसंद R15 हमेशा से है और KTM भी पसंद है, ये तो यामा पे शोरूम में खड़े होकर मैं KTM की भी तारीफ कर रहा हूँ। हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सारे? होपफुली आप भी इंजॉय करोगे अपनी राइड्स। आप देखो 15 इयर्स लगभग हो जाएंगे ऑलमोस्ट अगले साल इसको, एफसी को ये मैंने 2009 में ली थी, अभी 14 इयर्स हो चुके हैं। तो अब यार 155 सीसी तो बहुत चला ली, तो अब देखो यार मेरा मन तो वैसे R15 का है और KTM भी बहुत पसंद है, अब दोनों में से मेरे को डिसाइड करना है कौन सी लेनी सही रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ वैसे देखो रिलायबिलिटी के मामले में यामा तो बहुत अच्छी रही है, इसको मैं कहें कहाँ कहाँ नहीं ले गया, तो उसने बहुत अच्छा मतलब रिलायबल इंजन है इसका बहुत। KTM मैंने अभी तक देखो यूज़ नहीं किया, पसंद KTM भी है पर थोड़ा माइलेज और बजट हल्का सा वीकर पॉइंट मेरे को लग रहा है। तो अभी चलता हूँ देखो यामा के शोरूम और वहाँ पे चल के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो जिनको भी लेनी होगी बाइक वो भी देख लो। तो मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए सिर्फ उसी के लिए, बाकी तो मैं ट्रिप्स वगैरह ही डालता रहता हूँ। तो चलो चलते हैं फिर वहाँ पे देखते हैं चल के। राइडर्स क्या हाल है, ये हिमांशु भाई है, मैं आया हूँ यामा के शोरूम में। अब देखो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अपनी बाइक, 15 साल हो जाएंगे अगले साल, 14 ईयर्स यामा एफजी मैंने चलाई है। अब देखो बाइक लेने का मेरा भी बहुत मूड हो रहा है, लेकिन एक कंफ्यूजन है जो आप लोग मेरे को बताओगे कि कैसे सॉल्व करूँ। अब मुझे चाहिए पावर और इकोनॉमी दोनों। अब 155 सीसी तो मैंने 14 साल चला ली और यामा की नो डाउट रिलायबिलिटी पर कोई शक नहीं कर सकते आप, क्यों हिमांशु भाई? तो देखो अब मैं ये कंफ्यूज्ड हूँ कि मन तो KTM का है वैसे सच बताऊँ तो, क्योंकि पावर ज़्यादा मिल रही है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में और आपके जो इकोनॉमी के मामले में यामा तो कोई नहीं बीट कर सकता, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो अब हिमांशु भाई मुझे बताएंगे गाड़ी के फीचर्स, तो मुझे वो हेल्प करेंगे बताने में कि यामा किस किस मामले में R15 इकोनॉमिकल है और लेने के लिए सही है। तो हिमांशु भाई चले फिर चलिए बताइए। मतलब इसमें TFT डिस्प्ले होगा? इसमें TFT नहीं है, M वाले में TFT में कलरफुल मीटर मिलेगा, और फीचर आपको मिलेगा। ठीक ठीक सारी चीज़ें मिलेंगी। ये फ्रेंड्स ये R15 वर्जन 4 है बट ये M नहीं है, तो ये बता रहे हैं M और वर्जन 4 में क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं वो बताएगा। ठीक है M वाले में जिसमें नॉर्मल मीटर होगा। अच्छा इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं? हाँ जी। इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलेंगे, इसमें हेलोजन है, इसमें हेलोजन। अच्छा ठीक है। इसमें आपको LED मिलेंगे, ये चेंजेस रहेगा, कलर में थोड़े चेंजेस रहेंगे, स्टिकरिंग में थोड़े चेंजेस रहेंगे। ठीक है ये रहेगा उसके अंदर। इसमें सर कलर कौन कौन से मिलेंगे? इसमें कलर आपको ब्लू मिलेगा, ब्लू व्हाइट, ये जो बगल में रखा हुआ है। अच्छा दूसरा, अच्छा ये रहेगा ब्लू कलर, यही है। ठीक है ठीक है, ब्लू रेसिंग ब्लू ठीक है, ब्लू रहेगा, रेड रहेगा, व्हाइट आपका एयर कूलिंग में तो पावर बढ़ेगी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको सच बात बताता हूँ, मैं FZ यूज कर रहा हूँ 2009 से और अगस्त लास्ट या सितंबर में ही डिलीवर हुई थी मेरे यहाँ, और एक बार भी कोई गाड़ी ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी मुझे। अगर एक दो बार इशू हुए भी होंगे तो सिर्फ मेरी वजह से हुए, मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं एक बार पहाड़ गया था गढ़वाल अपने होम टाउन, वहाँ मैंने चेन टाइट नहीं कराई थी, तो वो पूरी, और वो तो अच्छा है किस्मत थी कि यामा का वहाँ शोरूम था, तो उन्होंने पूरी सर्विस दी मेरे को आके और मेरी पूरी चेन पॉकेट चेंज की, और बहुत ही बढ़िया FZ तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, जो सबसे पहली आई थी मैं तो उसी को चला रहा हूँ। अब यामा R15 का बहुत मन है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इकोनॉमी के हिसाब से ये अच्छी होगी कि जैसे KTM में भी लोग जाते हैं, तो मैं देखो किसी का भी गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, दोनों बाइक्स मुझे अच्छी लगती हैं और किसी एक को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ख़राब है या कौन सी अच्छी है,
लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइक आपको फ़ायदा कौन सी देगी और अच्छा साथ कौन सा निभाएगी और आपका क्या रोल है उस गाड़ी की मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस मामले में भी बेस्ट है गाड़ी, ठीक है। इसके साथ सर्विस कॉस्ट कितनी आ रही है? लगभग 1100 के आसपास। 1100 फर्स्ट थ्री तो सर्विस फ्री 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 रहेगी, तो लेबर चार्ज आपका लेबर चार्ज होता है, वो तो सामान का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज़ इसमें ये सुनी है, ब्रेकिंग कंट्रोलिंग हैंडलिंग कंट्रोलिंग ये सारी चीज़ें बेस्ट, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज़ इसमें ये सुनी है, देखो मैंने R15 तो चला ही नहीं है क्योंकि अपनी है नहीं और ना कोई ऐसा दो कि मैं किसी से मांगूँ, टेस्ट राइड इसमें कभी लूँगा, लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि R15 में बोलते हैं कि इनिशियल जो पिकअप है इसका जो थ्रस्ट है वो KTM के 200cc के मुकाबले उतना नहीं है, बट जो टॉप एंड जब इसका जाता है तो ये उसे बीट कर देती है, तो और कोई वाइब्रेशन भी नहीं होता है, तो ये पॉइंट मेरे को बहुत वैल्यू लगता है। तो VVA टेक्नोलॉजी की है। VVA क्या होता है सर? VVA होता है वेरिएबल वाल्व एक्टिवेशन। अच्छा वेरिएबल वाल्व एक्टिवेशन होता है, देखिए VVA टेक्नोलॉजी यामाहा ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसमें क्या होता है तो इससे फायदा क्या होता है, मतलब एवरेज सही होता है कि क्या बेनिफिट आपका बना कंपनी, इसका मतलब मेन टेक्निकल रीज़न क्या है? टेक्निकल रीज़न यही बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन आपका कम होता है, ठीक है। अच्छा यामाहा में वैसे वाइब्रेशन भी दिया आपको, वो भी दिया है, क्विक शिफ्टर भी दिया, क्विक शिफ्टर है। तो क्विक शिफ्टर इसमें अप शिफ्ट के लिए कि डाउन शिफ्ट के लिए? ये आपका सेकंड गियर पे काम करता है, सेकंड गियर सेकंड हाई स्पीड एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन है, नहीं आपको नॉर्मल यूज़ करनी है नॉर्मल यूज़ करते एक्टिवेट करके चलाना है, एक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि आपको पावर पूरी बनी है, आपने क्लच दबाया गियर लगा दिया, पावर आपने एक्सीलेटर नहीं छोड़ा है, आपने सीधे पावर दे दी, उसी को डबल पावर दे दिया, और डाउन मिली मारी की गाड़ी में झटका मारती है गाड़ी, वो भी नहीं होगा क्योंकि पावर में आपको डबल पावर मिल जाएगी। अच्छा इसमें जैसे आजकल होता है कि सब जो जो लोग बाइक राइडर्स होते हैं तो उनको कॉर्नरिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा एक शौक रहता है, और KTM ये कॉर्नरिंग और बहुत फीचर्स देता है, तो इसमें कुछ ऐसी ज़रूरत है कि या इसमें कोई ऐसा आपको ज़रूरत महसूस हो रही है ऐसा कुछ देते हैं? यामाहा में ऐसी कहते हैं ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं तो XZ16 जो 2009 मॉडल मेरे पास है, मैंने उसको मतलब मैं उसको लेके कहां कहां नहीं गया, मैं आपको बताऊं मेरा होम टाउन है गढ़वाल उत्तराखंड में, तो मैं उसको अभी लेटेस्ट रिसेंट लेके गया हूँ केदारनाथ, लखनऊ टू केदारनाथ, केदारनाथ टू चोपता बुआ जी के घर, वहाँ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार जहाँ की मेरा घर है, और हरिद्वार से बैक टू लखनऊ, मतलब 1800 किलोमीटर प्लस की मैंने जर्नी की है XZ16 जो कि 155cc है। तो आपकी बाइक जो भी आपके पास है ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, आप उसको मेंटेन रखो और उसकी केयर करो तो वो देखो आपको कहाँ कहाँ आपको पहुँचाती है और जो आपको उसमें जहाँ जाना है वहाँ पर आपको लेके जाएगी। तो अपनी बाइक की रिस्पेक्ट करो राइडर्स। और रही बात देखो मेरी पसंद की, मुझे पसंद R15 हमेशा से है और KTM भी पसंद है, ये तो यामाहा पे शोरूम में खड़े होकर मैं KTM की भी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक डिफरेंस जानना था, ये टेक्निकल है बहुत हिमांशु भाई और यहीं पे मैं सर्विस भी कराता हूँ अपनी बाइक FZ की, तो ये इन्होंने मेरे को डिफरेंसेस बताए कि कौन सी बाइक अच्छी है और इसमें क्या फ़ायदे हैं KTM के मुकाबले। लेकिन KTM भी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा KTM बुरी है, सिर्फ क्या है देखो जब लॉन्ग ड्राइव पे निकलो तो एक इकोनॉमी भी चाहिए, भाई आपके मान लो जर्नी में जा रहे हो आप अपने पैसे लेके, तो अब आपके खर्च हो रहे हैं मान लो पेट्रोल में ही सारा पैसा जा रहा है, तो उतना पैसा अगर आपका बचता है और वो आप अपनी ट्रैवल में खर्च करो, खाने पे खर्च करो, घूमने में करो, तो एक अलग ही स्वाद आता है। और एवरेज भी सबकी गाड़ी माइलेज इसका बहुत अच्छा है, ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है सर। माइलेज इसका कितना होगा? माइलेज 45 से 50 का आपका क्लेम करती है जो कम क्लेम नहीं करती थी, कस्टमर फीडबैक कस्टमर फीडबैक 55 तक का भी आ रहा है। अच्छा और ये है मेंटेनेंस के ऊपर से आप अच्छा चलाने के ऊपर है, इस हिसाब से आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर एवरेज है। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि कोई भी मशीन हो, देखो मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, इंडस्ट्रीज में मैंने भी किया है काम, तो आपकी कोई भी चीज़ हो, मशीन हो, XYZ कुछ भी हो प्रोडक्ट आपका,
आपके यूज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ कितना कितनी चलेगी आपकी, आपके प्रॉपर यूज़ करने पे ही वो मशीन आपका साथ देगी बहुत अच्छा। अब मेरी FZ की आप कंडीशन देखना, आपको लगेगा नहीं कि 15 साल होने वाले, तो फिर आपको उसका केयर रखना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा कि सर इसमें ये मतलब एक कस्टमर के हिसाब से या राइडर के हिसाब से ऐसी इसमें क्या खासियत यामा की है R15 में जो KTM में उतना नहीं है और इसको लेने पे ज़्यादा मजबूर करेगी? लुक, लुक है। हाँ, लुक तो है, लुक ठीक है, फिर पावर है, पावर है ठीक है। इसमें आएगा कि टायर नहीं सर, टायर। अच्छा, इसमें टायर सर कौन सी है? इसमें आपको MRF आएंगे सर, MRF की 140 70 ट्यूबलेस ही होते हैं दोनों? दोनों ट्यूबलेस आएंगे, आपके रेडियल टायर, रेडियल गाड़ी में यूज नहीं होते हैं आपके, इतने से मोटे टायर है इसका, देखिए ठीक है। हाँ, ये रहा। अच्छा, स्लिपिंग में आपका रहता है, स्लिप नहीं करते हैं, ठीक है, आप वहाँ से रोकते हैं। अच्छा अच्छा, इसको जैसे कहते हैं भाई क्यूरियोसिटी आदमी की उठती है, ये अब ये स्पोर्ट्स बाइक लुक है प्रॉपर, उसमें जब आप बैठोगे तो आपकी कमर तो झुकेगी और आप लीन हो जाओगे। देखो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, देखो अब ये आपका पोस्चर जो है ये हो गया, और देखो ये ऐसे झुके रहोगे आप परमानेंट। तो जब सर हम कोई भी ऐसी बाइक लें जिसका पोस्चर ऐसा हो, क्योंकि जैसे FZ है वो आपकी स्पोर्ट्स भी है और टूरिंग टाइप की भी है, तो आप उसमें सीधे भी बैठ सकते हो, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा सीधा नहीं हो सकते, आपका जो मेन स्टांस होगा वो झुका झुका ही होगा। तो फिर इसमें लॉन्ग ड्राइव कितनी लंबी हम कर सकते हैं और कमर रिस्क पर क्या असर पड़ेगा इसका? पेन तो होगा, नहीं लेकिन एक बात, लेकिन एक बात भी है आपको, लेकिन एक बात और है राइडर्स की, आपके जो इंथुजियाज्म है और जो आपका जोश है उसमें पेन वेन सब भूल जाओ है कि नहीं भाई? अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आपका तो पेन हो भी रहा है तो क्या करना है, चलानी है। मतलब राइडर का मतलब क्या है, हमें लंबी लंबी राइड करनी है, उसमें थोड़ा बहुत काम करना है और फिट रहो यार। हम तो क्या एक और कम यूज़ करोगे कम पेन होगा, अब लॉन्ग टूर पर जाओगे पेन नहीं होगा, लाइन में चलाते रहो ठीक है, ठीक है। जाओगे तो आपको नहीं पता है जाम वगैरह खड़े हैं तो थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है। और आने के लिए अभी लोगे तो एक डेढ़ महीना आपको रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछना है कि जैसे आजकल जो है हर एक राइडर ये बाइक ऐसी लेना चाहता है स्पोर्ट्स बाइक, तो कितनी हाइट तक, मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए जो बंदा चला रहा है कि उसके पैर आराम से पहुंचे और वो कंट्रोल अच्छा मिल जाए? बाइक समय में आते हैं। अच्छा, मैं जैसे खड़ा हूँ ठीक आ रहा है, देखो मैं एक तो आ रहा है आपकी हाइट है 5'6" या उसके ऊपर तो आपके लिए बेस्ट है, मतलब ऐसी कोई भी बाइक। तो इसकी सीट हाइट कितनी है? सबकी सेम ही है। अच्छा अच्छा, ये एक बात और है कि अगर हाइट थोड़ी आपकी कम है तो प्रॉब्लम आपको वहाँ आएगी जब आप किसी जैसे पहाड़ी एरिया में गए, तो वहाँ जैसे अप डाउन कुछ मिला आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी प्लेन है तो आपके दोनों पैर टिकेंगे, और अगर एक साइड गड्ढा जैसा आ गया तो आपको संभालने में प्रॉब्लम आ सकती है, ये थोड़ी सी नोट करने वाली बात है। 815 mm इसकी सीट हाइट है, तो उस हिसाब से कम है कि ठीक है? तो थोड़ा सा ये भी होगा ना, जब इसको आप चलाते रहोगे तो उसकी सीट थोड़ी सी पिचकेगी भी ना, तो आपकी थोड़ी सी नीचे की पैर कॉन्टैक्ट और अच्छा बनेगा लगभग, है ना? एक एमएम तो आपका नीचे एक एमएम। तो जो है देखिए, मैं भी यहाँ पे अपनी बाइक की सर्विसिंग वगैरह कराता रहता हूँ, तो बहुत अच्छी सर्विस भी मिलती है। और मोटरसाइकिल देखो मेरे हिसाब से तो वही आदमी को लेनी चाहिए कि जो हर मामले में आपको एक बजट भी अच्छा आए, कॉस्ट भी सही हो, पावर भी अच्छी मिल रही है भाई, वाइब्रेशन भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है माइलेज, माइलेज अच्छा है ये चीज़। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं भूल गया भाई, मैंने यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल केदारनाथ जाने से पहले एक बार थोड़ी सी ट्यून करवाई थी, तो यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड भी हैं और
करते हैं यहाँ पे मशीन वगैरह बाइक की सर्विस करते हैं, राम आपको याद होगा, राम भाई है, राम जी हैं, उन्होंने मेरी बाइक की ऐसी सर्विस करी कि मैंने FZ से 15 साल पुरानी FZ से 42 का माइलेज निकाला, 42, और भाई पूरे रास्ते में मैंने 70 भी चलाई है, 65 भी चलाई है, 70 80 तक भी गया हूँ 42 का माइलेज। तो आपको क्या लगता है 42 का ज़्यादा है कि कम है 15 साल बाद FZ से? ठीक है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि देखो मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन तो नहीं कर पाता, लेकिन टाइमली सर्विस थोड़ी बहुत कराता रहता हूँ। तो लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये रही ना FZ की कि उसने मेरे को जो माइलेज दिया, शुरू में मैं चलाता था बहुत ही अंधाधुन, 90-100 भगा भगा के, तो मुझे 30 मिलता था एवरेज। लेकिन इस बार मैंने थोड़ी तरीके से चलाई कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाओ, लंबे टूर पे जा रहे हो, फैमिली वाले भी वेट कर रहे हैं कि भाई पता नहीं सही आएगा कि नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्पीड भी कभी कभी चलाओ, लेकिन कभी कभी नॉर्मल भी चलाओ। तो नहीं, देखो आपकी शरीर है वो भी एक मशीन है, अगर मान लो आप 40 की स्पीड से दौड़ रहे हो, कितनी देर दौड़ोगे? फ्यूल चाहिए कि नहीं आपको? ड्रिंक चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह ये मशीन को भी आप कितनी तेज़ चलाओगे, पेट्रोल को वो खींचेगा। तो भाई इकोनॉमी मेंटेन करके अगर आपने रखी तो गाड़ी भी अच्छी रहेगी और उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और माइलेज तो वो अच्छा देगी ही आप। तो ये सब चीज़ें तो अच्छा है। तो बाकी इसका सर साउंड वगैरह सुन सकते हैं? अच्छा, तो पास से ज़रा देखिए, अभी इसका साउंड हम सुनते हैं। ये साउंड तो बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि यामा का साउंड तो बहुत ही बढ़िया है। तो और कुछ हिमांशु जी बताना चाह रहे हैं? हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मैंने स्किप कर दिया। वाई कनेक्ट यार ऐप है यामा का, उसमें क्या क्या रहेगा? कॉल मैसेज का नोटिफिकेशन रहेगा, ठीक है, सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाएगा कि किसकी आ रही है कॉल, ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन। वो मैंने थोड़ा सा वीडियोस में देखा था, बाकी ऐप में सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। क्या देख सकते हैं कि आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं 30 मीटर की रेंज, 30 मीटर जैसे आपने पार्किंग में गाड़ी रखी तो आप पार्किंग में ही गाड़ी को देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा दूर की रेंज सर्विस का रिमाइंडर आएगा, सर्विस के लिए आपको गाड़ी का इंजन ऑयल बीप हो गया, रिमाइंडर आ जाएगा, बैटरी रिमाइंडर भी आ जाएगा। फ्यूल का सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जैसे कि एवरेज आपको शो करना है तो एवरेज तो शो करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 1 लीटर तेल खर्चा हुआ गाड़ी में, थोड़ा ज्यादा 10 लीटर तेल बचा, ये भी शो कर देगा। अच्छा, कितना तेल बचा, कितना खर्चा हुआ, कितनी गाड़ी चली, ठीक है, ये शो कर देना चाहिए। अच्छा, इसकी और रैंकिंग भी देख सकते हो। अच्छा, ये V4 में और M में जी, इन दोनों में बेटर क्या है फीचर्स वाइज और कॉस्ट वाइज? सेम है, फीचर सेम है, मीटर में चेंजिंग है थोड़ी सी, उसमें आप नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है, मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी नाम में टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ठीक है। एक कोड है 08 का, ठीक है, 08 या 04 होगा अगर, तभी आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, तो नॉर्मल सिर्फ यामा दिखाई आपका उसमें, वो हम उसमें कर सकते हैं। हाँ, बाकी कुछ सकते हैं उसमें भी है, इसमें भी, इसमें आप उसमें आपको इंडिकेटर वाले मिलेंगे, LED वाले ऐसे मिलेंगे, LED मिलेंगे, इसमें हैलोजन है, ठीक है, ये आपको बाकी कलर सिल्वर मिलेगा, सिल्वर कलर, सिल्वर तो ब्लैक भी पहना। अच्छा, ब्लैक R5, मैंने वो एक मॉडल ही देखा है लखनऊ में जो सिल्वर एंड ब्लैक था, तो उसके अलग कोई मॉडल नहीं दिखे, अलग सिल्वर, ठीक है। और ये सब क्या ग्लॉस फिनिश है? तो क्योंकि मैंने एक मैट भी, जैसे ये मैट में है, ये मैट में है सर, इसमें आपको मैट में आएगा ब्लू में मिलेगा, ब्लू में भी ये शाइनिंग रहेगा, शायद मैंने उसके मैट के, ठीक है। और एक कलर आता है ब्लैक गोल्ड, वो आपका फुल मैट पर रहेगा, उसका ये चीज शाइनिंग रहेगा, अच्छा, बाकी पूरा आपका मैट ब्लैक रहेगा, गोल्डन ग्लिट रहेगा, गोल्डन ग्लिट। अच्छा, मतलब ये जो रिंग्स हैं वो गोल्डन कलर के होंगे और मैट ब्लैक आ रही है, मैट ब्लैक, हाँ नहीं, बट वैसे ज़्यादा अच्छा तो ग्लॉस में है, ज़्यादा अच्छा लगा। जो आपकी एम वाली रहेगी वो भी ग्लॉस है, वो भी ग्लॉस है, अच्छा, पूरी गाड़ी ग्लॉस है। तो देखिए, अब तो करिश्मा भी लॉन्च हुई है अभी, लेकिन यहाँ देखो करिश्मा तो पहली सुपर बाइक थी जो उस एरा में, जो 11th और 12th में थे, तो उस समय सबको याद होगा कि करिश्मा आई थी 2002 या 2003 में आई थी, शायद 3 में ही आई है। तो अब देखो 20 साल बाद करिश्मा आती आई है, लेकिन देखो जो यामा लवर्स हैं उनके लिए तो यामा से अच्छा कुछ नहीं है। और मैं तो आपके सामने
उदाहरण हो, देखो मेरे वीडियो देखना केदारनाथ के ब्लॉग के, वो कोई प्रोफेशनली शूट नहीं किया, वो मैं बहुत केयरलेसली चलाता भी हूँ, शूट भी करता हूँ, तो वो आप ज़रूर देखना केदारनाथ का ब्लॉग, बद्रीनाथ केदारनाथ का। तो रिलायबिलिटी के मामले में मैं खुद कहूँगा कि यामा से अच्छा कुछ नहीं है, और देखो दूसरी बाइक्स तो मैंने चलाई नहीं, जब वो ओन करूँगा उसके बारे में तब बताऊँ भाई, जो चीज़ अपनी नहीं है उसके बारे में कैसे बता सकते हैं भाई। और लोग होते हैं वो व्लॉग करते हैं तो उनके पास वो होता है तो वो यूज़ करते हैं भाई, 15 साल कम टाइम नहीं होता है एक बाइक के साथ। मेरे पास हीरो होंडा भी रखी है अभी भी, 2005 मॉडल जो है, तो मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन अब उसके बायर्स कम होंगे क्योंकि एक तो वो हीरो हो गया है, होंडा तो हट गया उससे। तो और कुछ हिमांशु जी बताना अगर चाह रहे हो इसके बारे में तो। अच्छा, पिलियन के लिए सीट जो है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल इन बाइक्स में होती हैं, है ना? आई थिंक नॉर्मली सिंगल चलेगी। देखो मैं एक बात मैं आपसे कहना भूल गया कि देखो अगर घर में मम्मी को बिठाना है तो फिर पहले सुनना बहुत पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कहेंगी मैं बैठूँ कैसे इसमें, अगर उनकी थोड़ी हाइट कम भी है इसमें तो क्या FZ में ही बैठाने में मुझे पहले किसी ऐसी जगह ले जाना पड़ता है जहाँ पे कुछ ऊँचा रैंप हो, तो पहले वो उसमें चढ़ते हैं फिर इस पर बैठते हैं ताकि एक हाइट आ जाए, अब इसमें तो बैठना भूल जाओ। तो कंफर्ट के हिसाब से सिंगल चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिलियन चलाओगे तो आप राइडर को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप ब्रेक करोगे ट्रैफिक में वो आपके ऊपर ही आ रहा होगा पूरा, तो उसमें आपकी भी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। अच्छा, ABS के बारे में सर हमने बात नहीं की, ABS एंटी लॉकिंग सिस्टम डुअल चैनल, इसका क्या मतलब होता है सर? लॉक नहीं होता है, जैसे आप अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले हैं, जो लेमैन है जो बिल्कुल अभी राइडिंग में नए आए हैं, जिनको सिर्फ सुपर बस बाइक लेनी है इसी तरह, तो ये कहते हैं कि जैसे जब हम गाड़ी टर्न करते हैं और हमने ब्रेक मारा, तो जो विदाउट ABS बाइक होगी वो तो स्लिप, वैसे देखो सबसे बड़ी बात डिपेंडेंट होती है राइडर के ऊपर, वो संभाल ले उसके एक्सपीरियंस पे, लेकिन बाइक एक ये आपको फैसिलिटी भी दे जाएगी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको जब ब्रेक लगाओगे तो ABS किक इन हो जाएगा और उस वजह से क्या होगा, स्किड नहीं करेगी गाड़ी, स्किड नहीं करेगी। अच्छा, तो ये ज़्यादातर टर्न्स पे होता है या स्ट्रेट सीधे में? स्ट्रेट में होता है, पानी वगैरह मॉरंग वगैरह आ जाती है, मॉरंग आ जाती है, उसमें आता है आपका। अच्छा, उसमें लॉक नहीं होता पहिया लॉक नहीं होगा, पहिया घूमता रहेगा तो गाड़ी स्लिप नहीं होगी, क्योंकि पहिया पूरा एक जगह पर रुक जाएगा तो बिल्कुल स्लिप होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने लॉक नहीं होता, या तो R15M में सुना है कि इसमें आप मुझे बताना कि जैसे हम टर्न करते हैं हाई स्पीड पे और अचानक स्पीड कम कर देते हैं गियर डाउन करके, तो जो कुछ बाइक्स होती हैं जिसका टायर में जर्क आता है एकदम स्लिप होने जैसे, जैसे आप चौथे गियर पे बहुत तेज चला रहे हो अचानक थर्ड गियर लगा दिया आपने, तो स्पीड को रोकेगा ना वो इंजन ब्रेक की तरह, तो थोड़ा सा गाड़ी तो पीछे से टायर जर्क देगा, तो शायद M में ये कुछ ये प्रॉब्लम हटाई गई है, मैंने ऐसा मतलब सुना है जेन्युइनली, लेकिन अभी हमने नहीं सुना है। अच्छा, तो इतना कोई अभी लंबे टूर पे नहीं लग रही है, क्योंकि देखो लंबे लंबे टूर पे जाने के लिए दिमाग में सनक होनी चाहिए जैसे कि मेरे है। मैं आपको बता दूं, मैं FZ16 जो कि 15 साल पुरानी और 2009 की बाइक है, उससे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार अपने घर, फिर गढ़वाल में चोपता अपने बुआ जी के यहाँ, नैनीताल, अल्मोड़ा और आगरा, यहाँ पे मैं इस बाइक से जा चुका हूँ, और मुझे सिर्फ एक बार प्रॉब्लम हुई थी, वो भी मेरी वजह से, मैंने चेन टाइट नहीं कराई थी। प्लेन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आपको इतनी इंक्लिनेशन नहीं मिलती तो चेन चल जाती, जैसे ही मैंने पहाड़ों की राइड स्टार्ट की वैसे ही चेन पूरी ठक 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 स्टार्ट, तो फिर वो बाइक जो है वो आगे चल के ऐसे पॉइंट पर उसने चेन बाहर फेंक दी है तो फिर किस्मत थी यामा का शोरूम मिला, एक कोई थे भाई अपने, उन्होंने बोला यार चलो मैं तुम्हारी सही करता हूँ, पूरी चेन्स पॉकेट नहीं लगाई, वरना कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए रिलायबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, कोई भी चीज़ खरीदो तो यामा में वो रिलायबिलिटी तो पक्की है। तो और कोई मैसेज आपको देना है अगर यामा के लिए? ये 7 साल से यामा में थोड़ा फिर थोड़ा सा थके हुए हैं, थोड़ा तबियत ढीली है। आपकी कौन सी है? फसीनो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप कहीं लंबा टूर पे गए कहीं? टूर
यूज़ करें, नॉर्मल यूज़ किया मैंने। अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि हमको यामा बेस्ट है। अच्छा, पहले एक्टिवा थी, एक्टिवा मैंने सेल करके तब ये लिया था। सेल तो दूसरा पिकअप नहीं समझ में आया, पिकअप इसकी स्कूटी में पिकअप, स्कूटी में पिकअप। ये बात तो हमें चाहिए, लाइट वेट है, ये लाइट वेट है। अच्छा, इसका कितना वेट है? वही 160-170 142 kg। आज की डेट में कोई बहुत ही भारी भरकम वेट नहीं है, जहाँ पे तो आपकी बड़ी बड़ी जो बुलेट वगैरह आती हैं वो तो हैवी होती है, जो थोड़े पतले राइडर्स हैं उनके लिए संभालना भी मुश्किल है। तो ये बाइक, तो इसके बारे में तो क्या कहें कुछ भी। ये तो देखो, जब आई थी तभी से मेरी ड्रीम बाइक है। अच्छा, इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो फाइनली जो लोग 2023 की ऑन रोड, उस हिसाब से KTM 200 कितने की आती है? KTM 200 मेरे ख्याल से 20-30 हज़ार महंगी तो होगी, है ना? अगर गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टैक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो KTM मेरे पास है भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी इससे कॉस्टली है, क्योंकि KTM थोड़ी ओवर हाइट भी है भाई। तो इसलिए जो है, अब आप देखो डिसाइड करो, और मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मैं R15 लूँ कि KTM। लेकिन देखो, दिल तो मेरा R15 के ऊपर है, लेकिन ये है कि बस एक यामा अगर मेरा देख रहा हूँ वीडियो, तो भाई थोड़ी सी इतनी CC बढ़ाओ यार, थोड़ी सी इंजन की पावर बढ़ाओ हल्की सी, क्योंकि 155 अब थोड़ा सा लगता है कम। अच्छा, इसमें 6 गियर होंगे? 6 गियर है ना, आप थोड़ी कम ही लगती है 5 गियर। ये शो भी करेंगे तो थोड़ी सी देखो अगर पावर बढ़ जाए। देखो वैसे कहने को तो स्पीड के मामले में अनमैच्ड है ये, भी टॉप एंड कर ले, लेकिन जो है थोड़ी सी पावर अगर 200 सीसी कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो अच्छा, आप कोई और नई बाइक आने वाली है हमारी R15 का? कोई नया इम्प्रूवमेंट कुछ अब नहीं है? इम्प्रूवमेंट नहीं करते कंपनी, कंपनी कलर चेंज कर, कलर चेंज नया कलर नहीं दिया, वाइट कलर कुछ कलर लाया। अच्छा, ये इंडियन रिलेटेड या कोई गाड़ी से कुछ अलग ही मॉडल तो वो भी कोई नहीं। अच्छा, नहीं तो देखो अब R3 भी आने वाली है, अब अभी अभी कोई वो नहीं है, लॉन्च तो हो गई लेकिन अभी डेट नहीं आई है। अच्छा, R3 की डेट नहीं आई है, R3 भी देखनी है यार एक बार, कब तक आएंगे R3 कोई पता नहीं है, हम आप कब आ जाए चांस, पहले डेट आती है उसके बाद। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपना एंड करते हैं ब्लॉग, और हिमांशु भाई ने हमें बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बढ़िया टेक्निकल है ये, और थैंक यू सो मच। और आप अपना बताइए कहाँ पे शोरूम है और कैसे आदमी यहाँ का लखनऊ का आकर, भाई समय लखनऊ में हम, और ये बताएंगे आपको एड्रेस कहाँ पे है और आप बाइक कब ले सकते हैं और क्या ऑफर है, आप मैसेज को थोड़ा तेज बोलिए। हमारा शोरूम है लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा, अपोजिट हरियाणी हॉस्पिटल, रिंग रोड, उधम नगर के आगे ही पड़ेगा। तो चलो राइडर्स, अभी के लिए बाय, हैव अ सेफ राइड, और हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशन हमेशा याद रखना, इकोनॉमी भी याद रखना। लुक्स तो चल जाते हैं कम, लेकिन जब रास्ते में चलोगे तो पैसे भी इम्पोर्टेंट है भाई, पैसे भी बचाओ। तो यामा की आप बाइक लो, और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू। देखो R15 तो हमेशा से पसंद रही है मेरे को, और अब 14 साल FC को ओवर चलाते हुए, ये 155 cc ऑलरेडी थी, तो अब मुझे एक्चुअली क्या है कि इंजन हायर कैपेसिटी का चाहिए, जैसे 200 cc या उसके ऊपर। बट ये पॉइंट आ रहा है कि अब रिलायबिलिटी के मामले में तो यामा नो डाउट सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने उसको यूज़ भी किया 14 साल और बहुत जगह लेके गया ट्रिप पे। तो अब देखते हैं कि R15 में क्या क्या नए फीचर्स हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस राइड, कीप एंजॉयिंग।